झारखंड राज्य के निर्माण हुए 22 साल से अधिक हो चुके हैं। शहरों को चकाचौंध तो कर दिया गया, लेकिन भारत की आत्मा कहे जाने वाले गांवों को उनकी बदहाली पर छोड़ दिया गया। रोटी कपड़ा मकान के बाद सबसे जरूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है, लेकिन यहाँ के गांवों की हालात ऐसे हैं कि लोगों को खाद को स्ट्रेचर बनाना पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। किसी भी राज्य का विकास उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, लेकिन झारखंड की गति को यहाँ के राजनेताओं ने ही धीमी कर दी है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि यहाँ निवास करने वाले विभिन्न गांवों की जनता कह रही है। ताजा मामला चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के हिसातू गांव का है। हिसातू गांव के लोग नदी पार कर रोजमर्रा के काम को निपटाते हैं। पुल और सड़क के अभाव में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। गाँव का एक युवक गंभीर रूप से बीमार हो गया, जिसे इलाज के लिए ग्रामीणों को 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। एम्बुलेंस के अभाव में खाट पर बीमार अवस्था में युवक को एम्बुलेंस तक ले जाना पड़ा। दिक्कत तो यही है कि हम लोग के व्यवस्था नहीं है, नदी में पुल नहीं है और कहना है कि रोड नहीं है। गाड़ी से लेकिन गिर गया, पत्थर पर टूट गया कमर। कल से मतलब 24 घंटा बीते जा रहा है, कल से आज तक सुबह से, तो अभी तक हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस हमके 4 किलोमीटर दूरी पर है। अब वो दूरी पर हम लोग यहाँ खटिया टांग ले जाएंगे तब तक वो घूर के चल भी जा सकता है। हम लोग के व्यवस्था नहीं कि पहुँच सकते हैं। सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं देता है। आदिवासी गांव है, हम लोग 60 बरस उम्र बीत गया, जिंदगी भर यही तरह तरह के हम लोग मर रहे हैं। आज तक हम लोग को कोई पूछता नहीं। सरकार ने भी BDO ने विधायक ने MP अन्य सरकार है, जो हेमंत सोरेन सरकार है, वो भी नहीं हम लोग ध्यान देता है आदिवासी पर या जनजाति पर। क्या मांग करते हैं, क्या चाहिए आप? हम लोग के पुलिया चाहिए, नदी में पुल, रोड चाहिए। खाट पे मरीज लेके जा रहे हैं, नदी की दिक्कत से इसको 4 किलोमीटर दूरी से लेकर आ रहे हैं। हम लोग के पुल का निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग गाड़ी घोड़ा नहीं जा पाता, इसलिए हम लोग 4 किलोमीटर दूर ले जा मरीज को लेकर जा रहे हैं। एम्बुलेंस आया कि नहीं? एम्बुलेंस नहीं आता है गाँव पे नदी के कारण। एम्बुलेंस अभी तक कहाँ है? आगे 4 किलोमीटर दूरी पर है, पर ले जा खाट पर टांग के इसको एम्बुलेंस पर ले जा रहे हैं। कितना दूर है यहाँ से एम्बुलेंस? 4 किलोमीटर दूर है। क्या हो गया भाई, खाट पर मरीज को लेके जा रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई? मरीज के कमर टूट गया है, पिछुल के कारण वो गिर गया है और नदी है, नदी के कारण एम्बुलेंस नदी वो साइड में है, 4 किलोमीटर दूरी से लेकर आ रहे हैं मरीज के। तो क्या दिक्कत है, क्या हो रही है जो मरीज के लाने के एम्बुलेंस आपके गांव तक में जा रही है? नदी में पुलिया नहीं है, पुलिया निर्माण होता तो सुविधा होता, रोड बन जाता। रोड के कारण अभी बाहर ठोना है, इसके कारण एक खटिया सुविधा है, खटिया से लेके जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमको नाम अनिल पासवान। जिले में स्वास्थ्य संबंधी कई सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पुल और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस चालक की माने तो नदी में पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ था और वाहन के चक्के के फंसने की आशंका थी, जिस कारण से उन्हें नदी किनारे ही एम्बुलेंस वाहन खड़ी रखनी पड़ी। हालांकि ग्रामीणों के सहयोग से मरीज को सुरक्षित एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। क्या दिक्कत है, एम्बुलेंस आप लोग को यहां रोकना पड़ गया, वजह क्या? नदी में पानी है, इसके चलते गाड़ी नहीं जा पा रही है और आगे ज़्यादा दिक्कत है। प्लस में हम लोग यहाँ 2.5-3 घंटा वेट किए हैं, उसके बाद पेशेंट मतलब खाट पर आया है, किसी तरह से अपना वो सुविधा से लेके आया है। उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस नदी तक गई थी या फिर वहाँ नहीं? नदी पर ही खड़ी हो गई, वो आगे नहीं जा पाई, रोड इशू है, इसकी वजह से नहीं जा पाई और प्लस में पानी भरा हुआ। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है। व्यवस्था के अभाव में इलाज कराने के लिए मरीजों को खाट पर अस्पताल ले जाना पड़ता है, ऐसे में कई बार रास्ते में ही मरीजों की मौत हो जाती है। हालांकि उप विकास आयुक्त की माने तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मामला संज्ञान में आया है, उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कुमार सजीव ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अभी आया है और मामले को देख के जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो हम लोग की तरफ से की जाएगी। हाँ, वो जैसा वो लोग बताए कि जो छत में रात में गिर गया था छत से, और
उसकी कमर में बहुत दर्द है, दोनों पैर हिला नहीं पा रहा है। जाँच करने पर ये लगा मुझे कि उसकी रीढ़ की हड्डी जो सबसे नीचे की होती है उसमें फ्रैक्चर है। हमने जितना हम यहाँ प्राइमरी मैनेजमेंट से कर सकते थे हमने कर दिया और उनको अच्छे इलाज के लिए आगे ले जाए। कहाँ उसको रेफर किया गया सर? उनको हजारीबाग मेडिकल कॉलेज। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि गांव में पुल और पथ का निर्माण होता है या फिर गंभीर अवस्था में किसी और मरीज को खाट के सहारे ही अस्पताल लाना पड़ेगा। चतरा से रफ्तार मीडिया के लिए संवाददाता कुमार चंद्र।